जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की कथाओं के क्रम में मैं आपके लिए शनिवार की कथा लेकर आई हूँ। शनिदेव जो कि न्यायाधीश माने जाते हैं, ग्रहों में न्याय के देवता के रूप में उनकी प्रतिष्ठापना मानी जाती है। जब भी कोई व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, न्यायपूर्ण आचरण करता है, वे उससे प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव से हम बहुत भयभीत रहते हैं, जबकि शनिदेव अत्यंत सौम्य स्वभाव वाले देवता माने जाते हैं। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है उसके लिए वे धर्मराज के समान, और जो व्यक्ति अधर्म का साथ देता है, अन्याय की बातें करता है, झूठ बोलता है, अपने से अधीन लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, वहाँ वे उसके सामने काल के समान आकर खड़े हो जाते हैं। तो आज मैं इस कथा के माध्यम से आपको बताऊंगी कि किस प्रकार शनिदेव हम पर प्रसन्न हो सकते हैं। सर्वप्रथम हम शनिवार की कथा सुनते हैं, जिसको सुनने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, हमें जीवन जीने का अच्छा अनुभव मिलता है, धर्मपूर्ण और न्यायपूर्ण आचरण करने हेतु हम प्रेरित होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक ब्राह्मण था, वह पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनि महाराज मिले। ब्राह्मण ने पूछा, हे शनिदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? शनिदेव बोले कि अब मैं राजा को 7.5 साल के लिए लगने जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि राजा को लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, हे महाराज, आप मुझे लग जाएं। शनिदेव बोले, बोलो कितने समय के लिए लगूँ? तो ब्राह्मण बोले, 7 साल की ना ओढ़ी जाएगी, 5 साल की भी नहीं ओढ़ी जाएगी, 2.5 साल की भी मुश्किल हो जाएगी, 1.25 साल की में तो मैं मारा ही जाऊंगा, 1.25 पहर की इसलिए मैं ओट सकता हूं। नदी के किनारे जाकर बैठ गया, आसन पर बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। जाप करते करते देखता है कि नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे हैं। उन तरबूजों को देखकर उसके मन में आया कि बालकों के लिए क्यों ना मैं इन तरबूज को निकाल लूं। वह नदी में उतरा और निकाल के दोनों तरबूज अपने घुटनों के पास रख लिए। शनिदेव सैनिकों का रूप धरकर आए और आकर पूछा कि हे पंडित, इसके नीचे तुमने क्या दबा रखा है? तो पंडित ने कहा कि सैनिकों, यह कुछ नहीं, बस 2 तरबूज हैं जो नदी में से निकालकर मैंने अपने पास रख लिए हैं। सैनिकों ने जब हटाकर देखा तो वे दोनों राजा के पुत्रों के कटे हुए सिर के रूप में दिखाई देने लगे। ब्राह्मण समझ गए कि शनिदेव मेरे ऊपर लग गए हैं। वे कुछ ना बोले, क्योंकि उनको शनिदेव को दिए हुए वायदे को पूरा करना था। ब्राह्मण ने कहा कि हे सैनिकों, किसी से ना कहियो, मुझे दशा लग रही है 1.25 पहर में ही इनका रूप कुछ और हो जाएगा। लेकिन सैनिकों ने वहां से चले तो गए, लेकिन वह बात इधर से उधर पूरी नगरी में फैला दी। राजा ने आदेश दिया कि तुरंत ब्राह्मण को लाओ और सूली पर चढ़वा दो। जब सूली सोने की गड़वाई गई तो वो टूट गई, चांदी की गड़वाई वह भी टूट गई, तांबे की गड़वाई वह भी टूट गई, लोहे की गड़वाई वह भी टूट गई, जो गड़वाएं वह टूटती जाए। इतनी ही देर में 1.25 पहर पूरा हो गया और राजा के लड़के न जाने कहाँ से खेलते खेलते आ गए और जो सिर थे वह तरबूज के रूप में बदल गए। रानी ने कहा, हे महाराज, ब्राह्मण को यदि सूली पर चढ़ा दिया गया होगा तो हमारा पाप कैसे उतरेगा? ब्रह्म हत्या का यह पाप हम कैसे उतार पाएंगे? राजा ने तुरंत सैनिक भेजे, जाके देखो। तो वहां जाकर देखते हैं कि ब्राह्मण ने सैनिकों से कहा कि मैं मरने से पहले, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 5 माला फेरना चाहता हूं। वह आसन पर बैठकर उन मालाओं को फेरने में लग रहा था। वहां जाकर देखते हैं कि मतीरों के रूप में बदल गए हैं और राजा के पुत्र खेलते हुए महल में आ ही गए हैं। वहां आकर राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और पूछा, हे महाराज, यह क्या माया थी? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, माया कुछ नहीं थी, शनिदेव आपको 7.5 साल के लिए लगने आ रहे थे, प्रजा के दुख को देखते हुए मैंने न्यायपूर्ण आचरण किया, 1.25 पहर की शनिदेव की जो कुदृष्टि थी वह अपने ऊपर ले ली, इसी कारण मेरे को यह दुख हुआ। राजा घबरा गए, बोले 1.25 पहर की में ही इतना कष्ट हुआ, और आम जन पर जब यह कष्ट पड़ेगा तो वह क्या करेगा? मैं तो सोना भी दान कर दूंगा, चांदी भी दान कर दूंगा, तांबा भी दान कर दूंगा, मैं हर प्रकार समर्थ हूँ, लेकिन मेरी प्रजा पर यदि शनिदेव का ढैया लगेगा तो उनका बचाव किस प्रकार होगा? हे पंडित जी, हे ब्राह्मण देवता, आज इसका उपाय आप हमें बताइए।
ब्राह्मण बोला, जो भी धर्मपूर्ण और न्यायपूर्ण आचरण करेगा, झूठ कभी भी न बोलेगा, प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते के लिए तेल से चुपड़ी हुई रोटी डालेगा, पीपल पर 7 बार जल चढ़ाएगा, हनुमान जी की सेवा करेगा, शनिवार को तेल और तिल का दान करेगा, तो वह सदैव शनिदेव का कृपा पात्र रहेगा। सर्वप्रथम जो बात आती है वह है कि यदि आप अपने जीवन में न्यायपूर्ण आचरण करते हैं, सदैव धर्म के साथ खड़े रहते हैं, अपने से अधीनस्थ अर्थात अपने से छोटों और अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों के साथ यदि अच्छा व्यवहार करते हैं तो शनिदेव सदैव आप पर प्रसन्न रहते हैं। उनकी जो मंद चाल है वह कभी भी आपको ना साढ़े साथी के रूप में ना ही ढैया के रूप में प्रताड़ित कर सकती है। तो सदैव सत्य का आचरण कीजिए, धर्म का आचरण कीजिए, शनि देव आप पर किसी भी प्रकार अपनी कुदृष्टि से आपको परेशान नहीं करेंगे। तो बोलो शनि देव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।